हेलो स्टूडेंट, शुरू करते हैं रे ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5। देखो, अब तक हमने पढ़ लिया था कि गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के नियम। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। चलो देखो, लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अब गोलीय दर्पण दो होते हैं, गोलीय दर्पण होते हैं दो, अवतल और उत्तल। सबसे पहले हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पढ़ेंगे, क्योंकि यही बड़ा है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण बहुत छोटा है। देखो, मैंने एक ट्रिक बनाई है और इस ट्रिक के हिसाब से हम इजीली किसी भी अवतल दर्पण के लिए कहीं पे भी कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उसका इमेज प्राप्त कर सकते हैं हम। तो देखो, इसका तरीका क्या है। ये सबसे पहले हमने कॉनकेव मिरर बना दिया, अवतल दर्पण बना दिया। ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष बना दिया। मुख्य अक्ष पे ये कौन सा बिंदु है, ध्रुव यानी कि पोल। इसके बाद फोकस, इसके बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, और सबसे लास्ट में अगर हम बढ़ते बढ़ते मिरर से दूर चलते जाए तो सबसे लास्ट में जाके इन्फिनिटिव यानी कि अनंत आ जाएगा। देखो, हम नंबरिंग करते हैं, ऊपर की साइड में नंबर डालते हैं 1, और 1 है अनंत पे। अब 2 डालेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर और अनंत के बीच में। इसको दो नाम से जानते हैं। पहला नाम कि जब वस्तु वक्रता केंद्र व अनंत के बीच में हो। दूसरा तरीका, जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो, बियॉन्ड हो। इसके बाद में इक्वेशन, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3, यहाँ पे 3 डाल दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, 4 डालेंगे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र के बीच, ये 4। और 5वां नंबर डालेंगे हम फोकस पे। ये जो नंबर डाले मैंने, ये सभी नंबर हैं ऑब्जेक्ट्स के लिए, ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु के लिए ये सभी नंबर डाले गए हैं। अब हम इमेज के लिए नंबर डालते हैं, जिससे कि ऑब्जेक्ट का नंबर देख के इमेज के नंबर को मिला के डायरेक्ट हम ये पता लगा सकते हैं बिना रे डायग्राम बनाए हुए कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी। देखो, इसमें नंबर डालें इधर से, इसमें उल्टे इधर से डाल लो, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे इन्फिनिटिव यानी कि अनंत पे आ जाएगा 5। देखो, यहाँ पे बनाएंगे हम इमेज, इमेज यानी कि प्रतिबिंब, और ये प्रतिबिंब के लिए सभी के सभी नंबर मैंने डाले हैं। तो ध्यान देना, प्रतिबिंब के लिए नंबर डाल दिए मैंने कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा एक नंबर पे प्लेस्ड है, 1 नंबर पे प्लेस्ड है, तो हमारा इमेज भी 1 नंबर पे बनेगा। यानी कि यदि वस्तु अनंत पे हो तो प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे, और यदि वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में हो, या ऐसे कह सकते हैं वक्रता केंद्र से परे हो, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा 2 नंबर पे। सेम मैच कर लो, दो नंबर कहाँ पे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हमारा इमेज आएगा। अब इमेज की जितनी भी प्रॉपर्टी हैं वो हम पता लगा सकते हैं कैसे। देखो, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले की स्थिति देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र से पहले इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो वो ऑलवेज होगा छोटा, ऑलवेज छोटा होगा। और यदि इसके बाद में बनता है तो ऑलवेज होगा बड़ा। किससे छोटा और किससे बड़ा, वस्तु के बजाय छोटा होगा अगर पहले बनता है, और वस्तु से बड़ा होगा यदि बाद में बनता है, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा इमेज। लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन गया तो फिर सेम साइज का होगा, यानी कि बराबर होगा, बराबर लिख देता हूं मैं यहां पर, ठीक है, बराबर साइज का होगा। अब सुनो, कुछ चीजें हमको डायरेक्टली पता चल जाएंगी कैसे। जैसे कि हमारी, जैसे ऑब्जेक्ट रखा है 2 नंबर पर यानी कि वक्रता केंद्र से परे, तो हमें पता चल गया इमेज कहां बनेगा इसका, 1 नंबर 2 नंबर 2 नंबर यहां पर, इधर से 1 2 नंबर पर। तो ऑब्जेक्ट रखा है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, इसका इमेज बनेगा, ठीक है। छोटा बनेगा बड़ा, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले 2 नंबर आ रहा है, मतलब कैसा बनेगा, छोटा, आकार में छोटा होगा। और इससे सभी प्रतिबिंब उल्टे बनते हैं और वास्तविक बनते हैं। वैसे तुमको एक बात बता दूं, ये हमेशा याद रखना कि कहीं भी यदि कोई प्रतिबिंब वास्तविक है तो ऑलवेज वो होगा उल्टा, और यदि कोई प्रतिबिंब आभासी है या काल्पनिक भी कह सकते हैं, यदि कोई प्रतिबिंब आभासी है तो वो हमेशा ही सीधा बनेगा। तो
तो उल्टा प्रतिबिंब जब भी बनता है तो समझ जाओ वास्तविक होगा, या वास्तविक बनता है तो कंफर्म उल्टा होगा, और यदि आवासी बनता है तो सीधा, और सीधा बनता है तो इसका मतलब आवासी ही होगा और कोई ऑप्शन है ही नहीं। चलो प्रतिबिंब निर्माण यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले मैं कंडीशन लेता हूं, तो ट्रिक को नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। इसके बाद में सबसे पहला नंबर एक, एक नंबर से स्टार्ट करते हैं, वस्तु को सबसे पहले अनंत पर रखते हैं, फिर दो नंबर पर, फिर तीन पर, फिर चार पर, फिर पांच पर, उसका इमेज यहां बनेगा। ये तो हमको पता है कहां बनेगा, ये हमको पता चल गया, अब हमको बस ये पता लगाना है कि कैसे बनेगा, किस तरीके से बनेगा। तो बनाने के लिए एक तरीका और सुन लो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को रखेंगे जिस पॉइंट पर, वो ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट पर रख दो। इसका इमेज बनाने का तरीका ये होता है कि ऑब्जेक्ट से कोई भी दो लाइट रे, ऑब्जेक्ट से कोई भी दो लाइट रे इंसिडेंट कराएंगे मिरर पर, मिरर पर, और मिरर से इनका रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद ये दोनों जो लाइट रे हमने इंसिडेंट कराएंगे, ये दोनों लाइट रे मिरर पे जाएंगी और मिरर से इनका रिफ्लेक्शन होगा, परावर्तन होगा। रिफ्लेक्शन के बाद जिस पॉइंट पर एक दूसरे को काटेंगी उसी पॉइंट पर ऑलवेज उस ऑब्जेक्ट का इमेज बन के तैयार होगा। तो ये याद रखें। अब दो लाइट रे कैसे इंसिडेंट करानी है, तो परावर्तन के नियम हमने पढ़े हैं, कोई भी दो नियम लगाओ, एक दो बार लग जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लगे तो कोई भी दो जो यहाँ लग सकते हो लगा दो और उनको मिला दो, जहाँ पे भी एक दूसरे को काटेंगे वहीं पे क्या बन जाएगा, इमेज। समझो देखो पूरी प्रोसेस। सबसे पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, जब ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो कहां पर, इन्फिनिटिव यानी कि अनंत पर रखा हो, तो उसका इमेज कैसे बनेगा, दो तरीके से मैं तुमको बताऊंगा। सबसे पहला बेसिक तरीका जो जनरली सभी किताबों में सब जगह मिल जाएगा, ये सबसे पहले तो हमने बना दिया मिरर, कौन के मिरर बना दिया। इसके बाद में सबसे पहले यहां इन्फिनिटिव अनंत ले लो, ये अनंत है, सबसे लास्ट में अनंत ले लिया। अनंत में वस्तु बहुत ज्यादा दूर होती है तो उसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो सकती, पता नहीं इसके ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है, हम ऐसी स्थिति में दोनों तरफ ले लेंगे इसको, दोनों तरफ ले लिया। ये है ए और बी ऑब्जेक्ट है, ऊपर भी ले सकते हैं लेने को, लेकिन जनरली ये डायग्राम सब जगह ज्यादातर मिलता है। अब यहां से एक लाइट रे जो फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का, यहां पर मिरर द्वारा रिफ्लेक्शन का, फर्स्ट लाइट रे यहां से इंसिडेंट कराई और सेकेंड लाइट रे यहां से इंसिडेंट करा दी हमने, ये प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष के पैरेलल समांतर जा रही है, और जब समांतर जाने वाली किरणें होती हैं वो कहां से लौटती हैं, वो इस तरीके से फोकस से वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे जाएगी ऐसे चली जाएगी। अब यहां से ये इंसिडेंट हुई, इसके बाद रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी। तो जिस जगह पे काटी आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के बाद जिस जगह पे काटी उसी जगह पे क्या बनेगा, इमेज। अब देखो हर इमेज की हमको स्थिति बतानी होती है, तो मैं स्थिति यहाँ पे बता रहा हूँ तुमको। देखो ये जो इमेज अभी हमने बना के तैयार किया है, इसकी कंडीशन स्थिति, जब वस्तु अनंत पर हो, देखो वस्तु है अनंत पर तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, फोकस पर, प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, फोकस पर। अब वस्तु है इतनी बड़ी और प्रतिबिंब है छोटा सा, पॉइंटेड इमेज है एक तरीके से, छोटा सा बिंदु है, तो इतनी बड़ी वस्तु का इमेज छोटा सा बना है, इसका मतलब ये लॉ सही कहता था कि वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा और इससे सी से पहले बनेगा, छोटा बनेगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है, छोटा। तो स्थिति देते हैं इसकी, प्रतिबिंब वस्तु से, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा कोमा वास्तविक या काल्पनिक, बताओ वास्तव में काट रही है या फिर जबरदस्ती कटवाई है, वास्तव में काटी है। तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा कोमा काल्पनिक कोमा, उल्टा है सीधा, मैंने कहा था जितने वास्तविक होते हैं, सॉरी वास्तविक है काल्पनिक नहीं है, वास्तविक, और जितने भी वास्तविक होते हैं ये सभी के सभी कैसे होते हैं, उल्टे कोमा उल्टा तथा फोकस पर बनेगा। ये हमने किसकी कंडीशन लिखी है, इमेज यानी कि प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा वास्तविक उल्टा तथा फोकस पर बनेगा, ये इसकी स्थिति सामने आती है।
अब भाई सब कुछ हमको समझ आया, बस एक बात समझ नहीं आई, और वो बात ये है कि वस्तु से छोटा बना, प्रैक्टिकली भी देख लिया, नियम भी यही कहता है, वास्तविक बनेगा क्योंकि वास्तव में लाइट रेज एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये वास्तविक बनेगा, ये बात समझ आती है, फोकस पर बनेगा, ये बात समझ आती है, बस एक ही बात समझ नहीं आई कि उल्टा कैसे, हम इसको जब दिखाई नहीं दे रहा हमको वो, तो उल्टा कैसे कह सकते हैं। तो उल्टा कहने के लिए देखो मैं इसका एक और डायग्राम बनाता हूँ जिससे तुमको उल्टा सीधा पता चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत छोटा इमेज होने की वजह से वो दिख नहीं रहा उल्टा है सीधा है। इसी कंडीशन का बना रहा हूँ, अनंत पे कोई वस्तु है तो अनंत पे कहीं भी ले लो, ये अनंत है, यहाँ पे कोई वस्तु है, वस्तु का नाम दे दिया ए बी, इस पे से कोई दो लाइट रे इंसिडेंट कराओ मिरर के ऊपर, वो जिस जगह पे एक दूसरे को काटेंगे वही इमेज बन जाएगा। तो यहाँ से एक लाइट रे मैं यहाँ ले जाता हूँ, ये लो, और दूसरी पैरेलल इसके पैरेलल इसके समांतर एक लाइट रे यहाँ से इंसिडेंट करा देता हूँ। देखो ये परावर्तन के बाद ऐसे आएगी और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे माने तो इस पॉइंट के लिए वक्रता केंद्र, इस वक्रता केंद्र से इसको मिलाएंगे तो ये बन के तैयार हुआ इस पॉइंट का नॉर्मल। ऐसे ये लाइट रे नॉर्मल से जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पे चली जाएगी, तो यहाँ से चली गई, जितने एंगल पे आई है उतने पे चली गई। अब देखो जिस पॉइंट पे दोनों लाइट रे रिफ्लेक्टेड लाइट रे यानी कि परावर्तित प्रकाश किरणें जिस पॉइंट पे एक दूसरे को काट रही है उसी पे इमेज बनेगा, तो इमेज बनेगा इस जगह पर। ये देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज आया है इससे छोटा, और इमेज छोटा आया है तो इमेज का नाम दे देंगे ए डैश बी डैश। गौर से देखो, हमेशा ध्यान रखना, कभी भी किसी भी पॉइंट पे लाइट रे मिलती है इस तरीके से, और ये है मुख्य अक्ष, तो जिस पॉइंट पे मिली है वहां ऐसे मिला देंगे। तो जो ये जो तीर का चिन्ह लगाते हैं इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमको उल्टा सीधा पता चल जाए, ये इसका ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्सा कभी भी यहाँ इससे टच नहीं होगा, ऊपरी हिस्सा हमेशा नीचे बनाया जाएगा। तो अब देखो ऑब्जेक्ट है ऐसे, तो उसका इमेज बना है इसका उल्टा ऐसे, तो इस तरीके से हम सिद्ध कर सकते हैं कि इमेज कैसा बनेगा, उल्टा। चलते हैं दूसरा, देखो दूसरी स्थिति, सेकंड कंडीशन ये है, जब वस्तु कहाँ पर रखी हो, देखो इसको दो नाम से कह सकते हैं, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में रखी हो, पहला नाम, दूसरा नाम जब वस्तु वक्रता केंद्र से परे हो, परे तो अनंत भी है लेकिन अनंत परे नहीं है, बहुत ही ज्यादा परे है, हमको सिर्फ परे, परे मतलब है बियॉन्ड, सी से परे हो, सी से बियॉन्ड हो, या अनंत व सी के बीच में हो। तो देखो जब वस्तु सी से परे हो, या फिर कह सकते हैं अनंत व सी के मध्य हो, तो इमेज कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, ये तो हमको पता चल जाएगा। देखो दूसरी स्थिति के लिए कंप्लीट करते हैं इसको, ऑब्जेक्ट हमको यहाँ पे लेना है, तो ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे लेना है तो इमेज कहाँ बनेगा, पहले ही सोच लो सब कुछ, इमेज बनेगा ये दो नंबर है, ये दो नंबर पे इमेज बनेगा, इमेज के लिए नंबर नीचे, ऑब्जेक्ट के लिए नंबर ऊपर, इमेज बनेगा दो नंबर पे यहाँ, तो हमको ये तो पता चल गया पहले से ही। अब हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाने के लिए थोड़ी सी कलाकारी करेंगे, कलाकारी क्या करनी है सुनो, सेंटर ऑफ कर्वेचर को बनाएंगे ही नहीं, बाद में बनाएंगे इसको, जिससे कि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इसको लिखेंगे तो सब सही हो जाएगा। देखो सबसे पहले तो एक कॉनकेव मिरर बना दो, यहां पे अवतल दर्पण बना दिया, अब इसका मुख्य अक्ष बना दो, फोकस लेना जरूरी है, ये फोकस ले लिया एफ, ऑब्जेक्ट को हमें सी और अनंत के बीच में रखना है तो यहां रख देते हैं, यहां ये ऑब्जेक्ट रख दिया हमने, नेम ऑफ ऑब्जेक्ट ए बी, इसका नाम दे देते हैं, इसके निचले सिरे का नाम है ए, ऊपरी सिरे का नाम है बी। अब इससे कोई लाइट रे, फर्स्ट लॉ ही लगा दो एक, तो जब तक लग रहा है तब तक तो ये लगाते रहो, पहली लाइट रे मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी और समांतर जाके वो फोकस से गुजर जाएगी, इस तरीके से फोकस से गुजर गई, ये लो। अब दूसरी लाइट रे, देखो दूसरा लॉ इसमें ये वाला नहीं लगेगा कि यहां से जाएगी ऐसे आ जाएगी, फिर तो वो प्रिंसिपल एक्सिस तो दिखेगा ही नहीं, दूसरा कोई नियम देखो, फर्स्ट तो ये था, दूसरा इसका उल्टा भी तो था कि यदि मुख्य अक्ष समांतर आती है तो फोकस से जाती है, अब इसका उल्टा
फोकस से आएगी तो मुख्य अक्ष समांतर, तो तुम फोकस से ही लाइट रे इंसिडेंट करा दो। ये फोकस है, यहां से हमने लाइट रे इंसिडेंट कराई, इंसिडेंट कराने के बाद ये लाइट रे मुख्य अक्ष के पैरेलल समांतर चली जाएगी, ऐसे पैरेलल जाएगी। तो जिस जगह पे आफ्टर रिफ्लेक्शन ये दोनों लाइट रे इंसिडेंट काटेंगी उस जगह पर इमेज बनेगा, तो इमेज बन गया यहां पर। इमेज का नाम निचले वाला सिरा ए का हो जाएगा ए डैश, ऊपरी सिरा बी का हो जाएगा बी डैश। मैंने बताया कि ये तीर का जो चिन्ह है ये हमेशा नीचे की तरफ लेना है, प्रिंसिपल एक्सिस से टच नहीं होना चाहिए कभी भी। अब देख लो तुम कहाँ लेना है। अब देखो ए डैश बी डैश, तो डायग्राम में देखो यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में बनना चाहिए। सेंटर कर्वेचर को हमने इसलिए नहीं डाला कि थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, क्योंकि डायग्राम बनाने में थोड़ी बहुत गलती कर सकते हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ तो हम एडजस्ट कर देंगे। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर को यहाँ डाल दो लास्ट में। देखो वैसे भी अगर तुम सेम साइज अगर ये लोगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर सेम लोगे तो ऑटोमेटिक बीच में आ जाएगा। देखो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सी से बियॉन्ड, सी के बाद में यहाँ पे रखा है, और इसकी इमेज कहाँ पे आई है, एफ और सी के बीच में। देख लो, बोलो आई है नहीं आई। ये देखो इतना बड़ा है और ये इससे थोड़ा छोटा है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होगा लेकिन छोटा ज़रूर होगा। अब अगर मैं इसकी स्थिति लिखना चाहूँ, इसकी पोजीशन कि ये कहाँ बना कैसा बना, स्थिति देखो, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा या बड़ा, छोटा बनेगा, छोटा बनेगा, स्मॉलर बनेगा, और वास्तविक या काल्पनिक, वास्तव में काटिए तो वास्तविक, छोटा कोमा वास्तविक कोमा, बोलो उल्टा सीधा, दिख रहा है उल्टा है कोमा उल्टा, तथा कहां पर बनेगा, F और C के मध्य, कहां पर बनेगा, F एंड C के मध्य, F और C के बीच में बनेगा। ये इसका इमेज हो गया, स्थिति हो गई, सारी चीजें क्लियर है। बोलो अब चलते हैं हम तीसरा पॉइंट, इसको मिटा रहा हूं मैं, एक बार कॉपी में बना लेना, स्क्रीनशॉट ले लो भले, कॉपी में बना लेना, उसके बाद में ही आगे का पढ़ना, रेगुलर इसको उतारते जाओ तभी समझ में आएंगे आगे। जब वस्तु सी पर रखी हो, यानी कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। तो अभी ट्रिक में अगर तुम देखना ढंग से देखा हो तो सी पर तीन नंबर होता है, और ऑब्जेक्ट के लिए इमेज के लिए भी सी पे तीन ही नंबर होता है, मतलब सी का इमेज सी पे बनेगा। अब तुमको मैं बता दूं, बाकी सभी डायग्राम तुम सही तरीके से बना दोगे, बस इसी डायग्राम में सबसे ज्यादा गलती होने का चांस है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम गलती यहां होगी तो हम कौन से कम होशियार हैं, लगाओ अपना दिमाग, दिमाग ये लगाना है कि तीन नंबर पर वस्तु रखी है, तीन नंबर पर प्रतिबिंब बनेगा, मतलब हमको पता चल गया, और साइज में कैसा होगा, बराबर साइज का होगा, बराबर साइज का होगा, तो हम पहले ही इमेज बना लेते हैं, हमको ये तो पता ही है बनना कहाँ है, बाकी फॉर्मेलिटी बाद में कर लेंगे। देखो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया ए बी। अब हमको पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही इसका इमेज बनना है और सेम साइज का बनना है, तो पहले बना दो ना, ये बना दिया लोग। अब फोकस वोकस कहीं पे कुछ नहीं लिखना तुमको, यहां से एक लाइट रे ले जाओ, लाइट रे डालना फॉर्मेलिटी, अब क्योंकि हमको पता है इमेज यहाँ यही बनना है, एक लाइट रे इसके समांतर ले जाओ, इधर से भी अभी तुम इसको ऐसे मिला दो, मिलाना है केवल, इधर से लाइट रे नहीं गई है क्योंकि ये तो इमेज है, लाइट रे से तो ये खुद बना है। अब क्या करेंगे, एक लाइट रे यहां से आएगी, अब ये हमको पता है इस जगह पे काटेंगे दोनों, तो स्केल उठाओ और इसको इस पॉइंट से मिला दो, यहां से जानी चाहिए, चलिए। अब हमको पता है कि जब कोई लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, समांतर आती है, तो परावर्तन के बाद फोकस से जाती है, तो फोकस पॉइंट आ गया। देखो पहली किरण तो यहां से आई और ऐसे यहां से गुजरती हुई इस तरीके से निकल गई, तो इस जगह पे जाएगी, तो ये कौन सा बिंदु है, फोकस बिंदु, यानी कि एफ, एफ है, मैं यहां पे लिख देता हूं एफ। अब देखो दूसरी लाइट रे भी हमको इंसिडेंट करानी है मिरर पर, तो माना कि यहां से दूसरी लाइट रे आती है ऐसे, सेकंड रूल लगा के
और ऐसे वो लाइट रे आएगी और आके इंसिडेंट होगी मिरर पर, आपतित होगी, आपतित होने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएगी ऐसे। तो ये मैंने जो लाइन बनाई थी इसलिए बनाई थी कि ये पैरेलल जाएगी, इस तरीके से चली जाएगी। अब देखो, एक लाइट रे ये वाली और एक लाइट रे ये वाली, दोनों इस जगह पे आके मिल रही हैं, तो यहीं पे क्या बनेगा, इमेज। अब देख लो तुम, जहां ऑब्जेक्ट है वहीं पे सेम इमेज बना दिया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पे लिख देना सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। अगर इस डायग्राम को हम बेसिक रूल के हिसाब से बनाते, इसमें तो हमने भाई साहब दिमाग लगा के पहले बना लिया इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, इमेज है, लेकिन अगर हम बेसिक रूल लगा के बनाते तो एक दिक्कत होती। दिक्कत क्या थी कि इस तरीके से मान के चलो, ऐसे यहाँ पर रख लिया, यहाँ से एक लाइट रे यहाँ इंसिडेंट कराई, फोकस से चली गई, दूसरी लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट कराई, ये ऐसे चली गई। तो देखो यहाँ पर बना इमेज, ये सेम जगह बन ही नहीं पाता, कितना भी दिमाग लगा लेना, सेम जगह बनना इसका थोड़ा सा मुश्किल है। तो हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, हमने तो पहले दिमाग लगा लिया, हमने तो इमेज पहले बनाया, लाइट रे बाद में। तो तुमको भी यही करना है इस वाले डायग्राम के साथ, बाकी में सब यही नियम चलता रहेगा। अगला आते हैं, अब इसकी स्थिति बताओ मुझे। स्थिति वस्तु के बराबर आकार का बनेगा और उल्टा है सीधा, उल्टा बनेगा। वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक होगा, वास्तव में काट रही है लाइट रे। और कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। ये हो गई इसकी स्थिति। अगला पॉइंट आते हैं, पॉइंट नंबर चार, जब वस्तु, देखो वक्रता केंद्र वाला तीसरा पॉइंट था, चौथा पॉइंट है जब वस्तु सी व एफ के मध्य हो, जब वस्तु सी व एफ के मध्य हो तो इसका इमेज हमको कैसे बनाना है। देखो भाई समझो, सबसे पहले एक मिरर बना लेते हैं, ये नंबर है चार, चार नंबर को मिला के देखोगे तुमको पता चलेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में ही इसका इमेज बनेगा। सबसे पहले इसमें फोकस डिसाइड कर लो एक पॉइंट को, ये फोकस है, हमको ऑब्जेक्ट लेना है फोकस के बाद में, मतलब एफ और सी के बीच में। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट ले लिया और थोड़ा छोटा लेना साइज में, ये ले लिया। अब सुनो, पहली लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाके यहाँ से ऐसे चली जाएगी, ये फर्स्ट लाइट रे। सेकंड वही कॉमन नियम, दूसरी लाइट रे फोकस से जाएगी और इसके पैरेलल चली जाएगी, पैरेलल जाती हुई एक जगह काटेगी इसको, जहाँ ये दोनों लाइट रे काट जाती हैं उसी जगह को मिला देंगे। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है ए बी, इसका इमेज बन गया ए डैश बी डैश। अब इसमें हमने सी को कहीं मेंशन किया नहीं है, क्यों नहीं किया, वही पहले वाली कहानी, यहाँ पे फोकस है लेकिन सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ डालेंगे। यहाँ डालने से अब क्या फ़ायदा हो गया, पहले क्यों नहीं डाल दिया, क्योंकि पहले डालते हो सकता है सी पे बन जाता, तो गड़बड़ी दिखती उसमें, हम गड़बड़ी को ही तो छुपाना चाह रहे हैं। तो देखो क्या करेंगे, सी अब डाला ए और ए डैश के बीच में, ऐसा क्यों, एफ और सी के बीच में तो ऑब्जेक्ट आ गया ए बी, और सी के बाद में क्या बन गया, ऑब्जेक्ट, वो इमेज बन गया। एक चीज ध्यान रखें, एफ और सी के जस्ट बीच में ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये भी ये नहीं कह रहा कि जब वस्तु सी व एफ के बिल्कुल बीचों बीच हो, ऐसा उसने नहीं कहा कि बीच में कहीं भी, तो कहीं भी ले सकते हैं ऐसी इमेज भी। भाई अनंत, अगर यहाँ पर तुम बोलोगे साहब ये अनंत और इसके जस्ट बीच में, कोई जरूरी नहीं है क्योंकि अनंत तो कोई दूरी होती नहीं है, तो ये कहीं पर भी बन सकता है। स्थिति बताओ, वस्तु से बड़ा बनेगा, देख लो साइज में बड़ा भी दिख भी रहा है, और वैसे नियम के हिसाब से भी उल्टा बनेगा, वास्तविक बनेगा और सी के बाद बनेगा या सी से परे बनेगा। लास्ट कंडीशन, लास्ट हो गया सेकेंड लास्ट, वैसे ट्रिक के हिसाब से लास्ट कंडीशन है, जब वस्तु फोकस पर हो, फोकस पे वस्तु है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, इधर समझो, नियम के हिसाब से फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज बनेगा अनंत पे, इन्फिनेटिव पे बनेगा। और अनंत कितनी डिस्टेंस होती है, जिसको माप नहीं सकते, जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, वही तो इन्फिनेटिव है, वही तो अनंत है, तो फिर अनंत को हमको कैसे पता चलेगा। इसके लिए मैं एक तरीका बताता हूँ, देखो जैसे कि दो लाइट रे हैं, एक ये रही एक ये रही, ये धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ झुक रही हैं, इसका मतलब है ये आगे जाके कहीं ना कहीं एक दूसरे को जरूर काटेंगी, यहाँ काट गई। अगर दो लाइट रे मैं ऐसे लेता हूँ, एक ऐसे दूसरी ऐसे, तो मुझे पूरी उम्मीद है आगे जाके कहीं भी एक दूसरे को नहीं काटेंगी, तुम बताओ काटेंगी क्या, क्योंकि दूरी बढ़ती जा रही है। अगर मैं पैरेलल लाइट रे ले लेता हूँ इस तरीके से,
तो ये तो हमको ये भी पता है कि काटेंगे तो ये भी कहीं नहीं, लेकिन ऐसा मान सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा लाखों किलोमीटर आगे जाके ऐसा मान सकते हैं कि ये मिलती हुई लगेंगी हमको बहुत आगे जाके। तो जितना आगे जाके मिलेंगी वो ही हमारे लिए क्या है, अनंत। तो पैरेलल लाइट रे इसमें होंगी जो कि कहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अनंत पर, क्योंकि अनंत वैसे भी कोई फिक्स होता नहीं है। तो डायग्राम समझो, रे डायग्राम, ये हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, ये हमने सॉरी मिरर बना दिया, इसके बाद में फोकस यहाँ पे बना लो, इस तरीके से फोकस बना लिया। अब समझो, फर्स्ट लाइट रे वही इसके पैरेलल और कहाँ से चली जाएगी, फोकस से ही ऐसे। सेकंड लाइट रे हम क्या करते थे अभी तक सब में, कि एक तो पैरेलल जाके फोकस से, दूसरी फोकस से जाके पैरेलल। अब इसमें सेकंड वाला रूल नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, देखो फर्स्ट रूल ये है कि इसके पैरेलल जाके फोकस से, अब फोकस से जाएगी तो मिरर पर पहुंचेगी नहीं, और मिरर पर पहुंचेगी नहीं तो इस रूल ख़त्म, ये रूल नहीं लग सकता यहाँ पर। कोई बात नहीं, हमारे पास रूल तो चार है ना, दो ही तो लगाने हैं केवल, एक ही तो फेल हुआ है अभी, चलो दूसरा थर्ड वाले पहुंच जाते हैं। तो ये लगा लो कि यहाँ से पैरेलल चली जाएगी, सॉरी यहाँ से सीधे पोल यानी कि ध्रुव पर जाएगी, और ध्रुव से सेम कोण पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी और ऐसे आ जाएगी, जितना एंगल ये होगा उतना ही है। अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट एंगल माप के करेंगे तो ये ऑटोमेटिक पैरेलल आ जाएंगी। और अब एंगल तुम्हारे पास मापने का कुछ ना हो, इतना समय ना हो, तो हमेशा ध्यान रखना तुम एंगल मत देखना, बिल्कुल इसके पैरेलल बना देना, वो अपने आप सही आ जाएगा, ठीक है। तो ये पैरेलल जा रही है तो हम ऐसा मान सकते हैं कहाँ पर जाके मिलेंगी, अनंत पर। ये अब अनंत कितनी दूरी है, अनंत तो बहुत ज़्यादा दूरी हो सकती है, तो ये अनंत पर मिलेंगी। तो जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे मिलती है वस्तु, उतना ही प्रतिबिंब बढ़ता जाता है, साइज में बढ़ता जाता है। तो ये साइज में बड़ा होगा या बहुत ही बड़ा होगा, देखो ऐसे करके माना कि ये अनंत है और यहाँ जाके ये मिलती हैं ऐसे आके। तो देखो इमेज तो बहुत बड़ा बन गया, तो यहाँ पर वस्तु का जो प्रतिबिंब है हम इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, बस यहाँ तक मैं बता रहा था कि अनंत पर जाके इमेज बड़ा क्यों हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बड़ा क्यों हो जाएगा। स्थिति बताओ, वस्तु से बड़ा या अधिक बड़ा, वस्तु से काफ़ी अधिक बड़ा, कोमा उल्टा सीधा, उल्टा वास्तविक काल्पनिक, वास्तविक तथा कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा। ये इसकी स्थिति हो गई, बोलो क्लियर। अगली स्थिति नंबर 6, जब वस्तु फोकस व पोल ध्रुव के मध्य हो तो इसका रे डायग्राम कैसे बनेगा, समझो। ट्रिक में क्यों नहीं था, क्योंकि ये एक तरीके से अपवाद ही मान लो इसको, एक तरीके से अपवाद है, एक्सेप्शन है उस जो बेसिक जो हमने ट्रिक बना रखी थी उसका, एक्सेप्शन एक तरीके से अपवाद है उसका। देखो ये मुख्य अक्ष बना दिए, यहाँ पे ये पॉइंट है फोकस, तो लगभग यहाँ पे लगभग जस्ट डबल डिस्टेंस ही होती है स्मॉल अपर्चर के मिरर के लिए, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर ले लिया, इसके बाद में हमको क्या करना है, ऑब्जेक्ट रखना है यहाँ पर, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट का नेम ए बी। हम क्या करते थे अभी तक, पहला रूल ये था कि इसके समांतर जाएगी और फोकस से गुजर जाएगी, लेकिन अगर ये इसके समांतर आके इधर आएगी तो ये इसको पार नहीं कर पाएगी, जब पार नहीं कर पाएगी तो गुजरे कहाँ से, तो इस ये नियम भी फेल। और दूसरा ये था कि फोकस से जाती है तो मिरर पहुंच जाएगी, अगर यहाँ से चलने वाली कोई लाइट रे फोकस पर जाती तो मिरर पर क्यों जाएगी, तो आउटर साइड जा रही है। तो इसलिए हम यहाँ पर नए दो लास्ट वाले थर्ड और फोर्थ नियम लगा दो, कि यदि कोई लाइट रे ऐसे जाती है, मान के चलो यहाँ से मैंने डॉटेड लाइन से मिलाया, कोई लाइट रे ऐसे जाती है मिरर पर, तो देखो ऐसा नहीं लग रहा कि ये लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है और मिरर पर इंसिडेंट कर रही है,
ऐसे आई, तो जिधर से आई है उसी पाथ से सेम लौट जाएगी, क्योंकि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण जीरो वाली स्थिति आ जाती है, ऐसे लौट गई। दूसरी लाइट रे हम यहाँ से इंसिडेंट कराएंगे, तो वो जितने कोण पर इंसिडेंट हम कराएंगे उतने ही कोण पर रिफ्लेक्ट होगी, तो रिफ्लेक्ट भी सेम कोण पर इस तरीके से होगी। अब तुमको एक स्थिति दिख रही होगी कि इधर जाके तो कभी भी मिलने वाली नहीं है, दूर हट रही है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या करते हैं हम, जब आगे नहीं मिलने वाली तो इसका मतलब पीछे मिलेगी। पैरेलल भी होती तो हम ऐसा मान लेते हैं अनंत पर मिल रही है, लेकिन दूर हटने वाली अनंत पर भी नहीं मिलती। तो पीछे की तरफ इस लाइन को बढ़ाओ, बिल्कुल स्केल रख के बिल्कुल सीधा करके इस लाइन को पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ये बढ़ा दिया, अब इस लाइन को भी पीछे की तरफ बढ़ा दो, ये बढ़ा दिया। तो जब इनको पीछे बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा ये दोनों एक दूसरे को काटेंगी, जहां काटेंगी वहीं पे इमेज। अब बताओ तीर का चिन्ह ऊपर या नीचे, तीर का चिन्ह मैंने बताया कि कभी भी मुख्य अक्ष को टच नहीं करेगा तीर का चिन्ह जो है, तो इसका मतलब यहां पे बनेगा और इसका नाम ए डैस बी डैस। अब तक जो पांच स्थिति हमने पढ़ी है उन सबसे अलग है ये, एक तरीके से अपवाद हो गया सबका। देखो स्थिति पता करो, स्थिति कैसी होगी, सबसे पहले बड़ा या छोटा, बड़ा बनेगा। अच्छा उल्टा या सीधा, सीधा बना है। जैसे ऑब्जेक्ट रखा है ऐसे, वैसे ये रखा है। अगर ये ऐसे रखा था और वो ऐसे रखा होता तो उल्टा, लेकिन ये ऐसे वो भी ऐसे, ये देखो सेम, बड़ा है सीधा है। मैंने बताया सीधे सभी कैसे होते हैं, आवासी या काल्पनिक, तो ये भी आवासी होगा। और ये डायग्राम में भी देख सकते हो तुम, एक जिसमें लाइट रे एक्चुअल में काटती हैं, वास्तव में काटती हैं तो वास्तविक, और यहाँ पे लाइट रे वास्तव में नहीं काटी है, ऐसा आवास हुआ है सिर्फ कि ये पीछे काट सकती हैं, या ऐसी कल्पना की जा सकती है पीछे काटती हैं, तो आवासी या कैसा बनेगा, काल्पनिक। और कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे की ओर, कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे की ओर। अब दर्पण के पीछे की ओर कोई पॉइंट तो फिक्स होता नहीं है, तो कहीं भी हो सकता है, दर्पण के पीछे की ओर हम लिख देंगे। इस तरीके से ये कंप्लीट होते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। अब हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, वो है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण। चलो देखो स्क्रीनशॉट ले लें, हो गया। दूसरा अपना मेन हेडिंग उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण, अब इसमें ले देके बहुत कम केस हैं। कैसे, देखो पहला, जब वस्तु अनंत पर हो, एक कंडीशन तो ये ले लेते हैं, अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेगा। कैसे बनेगा, देखो सबसे पहले तो उत्तल कॉन्वेक्स मिरर ले लिया, इसका मुख्य अक्ष ले लिया, अनंत पे वस्तु है मतलब वस्तु यहाँ पर, ये अनंत है, वस्तु रखिए, वस्तु का नाम दे देंगे ए बी। इसके बाद में कोई दो लाइट रे लो, एक यहाँ से एक यहाँ से, पैरेलल सेम जैसे उसमें लिए वैसे, इसमें ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। और इसका मुझे एक बात बताओ फोकस कहाँ पर होगा। देखो ये गोला इधर कंप्लीट होने वाला है, जब गोला इधर कंप्लीट हो रहा है तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर तो यहाँ होगा और फोकस लगभग यहाँ पे होगा, स्मॉल अपर्चर के लिए लगभग हाफ लेंथ पर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इसको मिलाएंगे तो अविलंब बनेगा, जैसा कि मैंने नियम वहाँ पे बताया था। ये लाइट रे जितने एंगल पर आई उतने पे चली जाएगी, जब इसको मिलाएंगे तो ये फोकस पर मिलती हुई, फोकस पर मिलेगी नहीं, फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी इस तरीके से, यहाँ पर फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होगी। डॉटेड लाइन से ही बनाना क्योंकि वास्तव में मिली नहीं है, हम मिला रहे हैं बस, फोकस पर मिलती हुई। ऐसे ही सेम ये ऐसे चली जाएगी और यहाँ ये फोकस, तो जिस जगह पर मिली उसी जगह प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना, फोकस पर बना, वही डॉटेड छोटा पॉइंटेड आकार में छोटा बनेगा। उल्टा सीधा बोलो, जैसे कि अभी लास्ट वाली कंडीशन में एक सीधा आया था, और सीधे हमेशा कैसे होते हैं, काल्पनिक या फिर आवासी भी कह सकते हैं इनको।
ये भी आवासीय क्योंकि आवास हुआ है, वास्तव में किरणें काटी नहीं है, ठीक। और कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा, और छोटा बड़ा, छोटा पॉइंटेड है, बहुत ही छोटा बनेगा ऐसे भी कह सकते हैं। अब आते हैं हम इसमें सेकंड कंडीशन, जब वस्तु अनंत पर हो, और सेकंड कंडीशन देखो, इस कंडीशन के नाम ये दे सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर ना हो, इसका मतलब दर्पण के सामने कहीं भी हो। अब उसमें तो अलग अलग लिए, इसमें कहीं भी कैसे, क्योंकि इसमें दर्पण के सामने अनंत के अलावा कहीं पे भी होगी, हर स्थिति में एक जैसा डायग्राम बनेगा, समझो कैसे। ये हमने मिरर बना दिया और ये इसके लिए मुख्य अक्ष बना दिया, दर्पण के सामने कहीं भी वस्तु रख दी, ये वस्तु रख दी हमने, वस्तु का नाम ए बी। अब बेसिक रूल, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर, ये समांतर ले ली, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात कहाँ से चली जाएगी, फोकस से, मतलब इस तरीके से दूर हटेगी, ये कहाँ से जाती हुई महसूस होगी, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। इस जगह पे हम बना लेते हैं फोकस, तो ये लाइट रे इस तरीके से चली जाएगी, जैसा कि नियमों में हमने पढ़ा है, ऐसा ही क्यों होता है। अब दूसरी लाइट रे के लिए भी नियम तो खैर कई हैं, नियम ये है कि यदि कोई लाइट रे, मान के चलो यहाँ से ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर मैं ऐसे इंसिडेंट कराऊं तो वो इधर ही वापस जाएगी, मिलाएंगे तो ऐसे मिल जाएगी, या फिर इससे बचना चाहते हो तो वो रूल लगा दो कि सीधी पोल पे चली जाए तो जितने एंगल पे आई है उतने एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ऐसे चली गई। अब इन दोनों को देखो, वापस देखो, दूर हट रही हैं, दूर हट रही हैं, इसका मतलब है आगे जाके कभी भी मिलने वाली नहीं है, तो इनको पीछे मिलाओ। फिर जब इसको डॉटेड करके पीछे की तरफ लेके जाएंगे तो यहाँ पर इमेज बनेगा, ये इमेज, तीर के चिन्ह को कभी भी इससे टच मत करना, इमेज का नाम ए डैश बी डैश। स्थिति बताओ, छोटा है बड़ा, छोटा है, दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, इमेज इतना सा छोटा, वास्तविक काल्पनिक, काल्पनिक या फिर आवासी, वास्तव में किरणें नहीं काटी हैं, कॉमा, छोटा बनेगा, आवासी बनेगा, और बताओ और कौन कौन से पॉइंट लेते हैं हम, कहाँ पर बनेगा, तो पी एंड एफ के मध्य, पी और एफ के बीच में बनेगा, सीधा या उल्टा, सीधा होगा। अगले टॉपिक पे आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है दर्पणों के लिए, दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, मतलब साइन कन्वर्जन, चिन्ह कैसे लिए जाते हैं मिरर्स के लिए, तो उसका मैं सीधा सा तुमको एक बेसिक तरीका बताता हूँ। देखो, इसमें ऐसा कोई रटने वाली चीज़ नहीं है, और इसको रटना भी मत, क्योंकि अगर इसको रटने की कोशिश करी तो सब साफ हो जाएगा आगे का। अब यहाँ से डेरिवेशन शुरू होंगे, लेकिन डेरिवेशन वही कर पाएगा जिसको दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है। चलो देखो, सबसे पहले तो हम ये बना दिया, हमने अक्ष बना दिए, दोनों एक्सिस बना दिए, एक्स और वाई, एक इधर बना देता हूं मैं और एक इधर बना देता हूं, दोनों मिरर्स के लिए अलग अलग। देखो, अब इस मिरर के अंदर अगर मान के चलो अवतल दर्पण एडजस्ट करना है, तो यहां माना जाएगा अवतल दर्पण को, उत्तल दर्पण को यहाँ माना जाएगा। कुल मिला के अगर हम देखें तो मिरर इन अक्षों पर इस तरीके से व्यवस्थित होगा कि इसका जो मूल बिंदु है, इसके मूल बिंदु ओरिजिन पर पोल आना चाहिए, ध्रुव आना चाहिए, इसके भी ओरिजिन पर पोल ही आना चाहिए, इस तरीके से इनको एडजस्ट करेंगे। चलो देखो, अब हम ये देखो, सबसे पहले फोकस की बात कर लेते हैं, इसका फोकस कहीं यहाँ पर होगा, इसका फोकस यहाँ पर होगा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर, इसका फोकस यहाँ पर होगा और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं आगे जाके। देखो, एक एक चीज़ क्लियर करते हैं, सबसे पहले फोकस, फोकस दूरी,
फोकल लेंथ और दूसरी है वक्रता त्रिज्या, दोनों की बात कर लेता हूँ। तो समझो, इसकी जो फोकस दूरी होगी वो ये वाली होगी इसके पोल से, और इसकी वक्रता त्रिज्या होगी ये वाली, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसकी फोकस दूरी ये वाली होगी और इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी ये वाली आर। ठीक, अब समझें, हमने पढ़ा है कि वाई अक्ष होता है ये वाला, और पॉजिटिव साइड या नेगेटिव साइड, ये होती है वाई अक्ष की पॉजिटिव साइड, नीचे वाली होती है वाई अक्ष की नेगेटिव साइड, इधर वाली एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड, और ये होती है एक्स अक्ष की नेगेटिव साइड। ठीक, ये पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, मतलब अगर हम किसी इस पॉइंट से इधर चलते हैं तो वो ये डिस्टेंस पॉजिटिव, इधर चलते हैं तो ये डिस्टेंस नेगेटिव, और अगर इससे ऊपर चलते हैं तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव, और यदि इससे नीचे चलते हैं तो ये डिस्टेंस नेगेटिव। इस तरीके से हमको लेना है। अब मुझे बताओ फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकस दूरी इसकी कौन से अक्ष पर चलने के बाद आएगी, मतलब ये डिस्टेंस है तो यहाँ से हमको यहाँ तक आना है फोकस दूरी के लिए। तो बताओ पॉजिटिव साइड चले नेगेटिव साइड, ये नेगेटिव साइड है तो माइनस एफ, और यहाँ पर ये माइनस आर। उसमें देखो, हम इस फोकस पे पहुँचने के लिए फोकल लेंथ इतना चलेंगे, ये पी है, यहाँ से चलेंगे हम तो ये साइड पॉजिटिव साइड या नेगेटिव, ये पॉजिटिव साइड, ये नेगेटिव साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक, तो यहाँ से यहाँ तक चलेंगे हम तो ये पॉजिटिव साइड हो गया, पॉजिटिव साइड तो प्लस एफ, और ये प्लस आर। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि अवतल, अवतल दर्पण या अवतल लेंस, लेंस के लिए भी सेम ही रहेगा, तो अवतल नाम सुनते ही हमको एक कॉनकेव नाम सुनते ही हमको एक चीज याद आ जानी चाहिए कि इसकी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या दोनों ही होंगी नेगेटिव, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है। अगर हमारे सामने दूसरा शब्द आता है उत्तल, उत्तल नाम आते ही चाहे वो मिरर हो चाहे लेंस हो, मिरर या लेंस कोई सा भी हो सकता है, दोनों के लिए फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये रहेंगी ऑलवेज पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव। तो एक तरीके से दिमाग में फिक्स कर लेना ये चीज़ कि फोकल लेंथ की जब भी बात आएगी और अवतल शब्द आ गया, चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस, ये नेगेटिव होगा, और उत्तल नाम आता है तो वो होगा पॉजिटिव, कॉन्वेक्स आता है तो। ये तो फोकल लेंथ और इसकी बात हो गई। आगे देखो, कुछ और चीज़ों की बात करता हूँ मैं। देखें, हमने इतने सारे इमेज बनाए और हमने देखा कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को इधर रखते हैं, ऑब्जेक्ट को इधर रखें, पी से जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होती है वो यू से डिनोट की जाती है, स्मॉल यू से, और पी से लेके इमेज की जो डिस्टेंस होती है वो ऑलवेज डिनोट की जाती है वी से। ये दो चीज़ें नई ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी v। ठीक, तो देखो यहां वस्तु रखी है तो p से लेके यहां तक की दूरी हो गई u, ये वाला डिस्टेंस है u, चाहे ये वाला मिरर हो चाहे ये वाला मिरर हो, ऑब्जेक्ट को ऑलवेज इसी साइड में रखते हैं तो ये डिस्टेंस हो गई u। अब साइन कन्वर्जन के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव साइन लेना है इसके लिए। बताओ ये पॉजिटिव हो गया नेगेटिव, नेगेटिव साइड है, ये वाली डिस्टेंस है नेगेटिव साइड में है तो ये माइनस यू, और ये भी माइनस यू। मुझे एक बात बताओ, जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, वस्तु की दूरी है, वो चाहे ये वाला मिरर हो चाहे ये वाला मिरर हो, मैटर करता है क्या? कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि दोनों में ही नेगेटिव आएगी। तो ये भी तीसरा रूल फिक्स मान लेना कि वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑलवेज नेगेटिव, वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक ही ली जाती है, हमेशा ही होगी। अगर हम कोई सवाल कर रहे हैं और उसमें हमसे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछी गई है और वो नेगेटिव नहीं आती है, इसका मतलब सवाल हमारा गलत हो गया, वो ऑलवेज ही नेगेटिव आएगी। ठीक, अब मान के चलो ये ऑब्जेक्ट की बात हो गई, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं
मान के चलो इसका इमेज यहाँ पे बन गया, तो ये वाली डिस्टेंस इमेज की डिस्टेंस हो गई। अब हो सकता है इसका एक हमने देखा था इधर भी बनता है, इधर भी बन सकता है, तो फिर बी इधर वाली होगी। अगर इधर आती है तो नेगेटिव और इधर आती है तो पॉजिटिव। अब मुझे ऐसी उम्मीद है कि तुमको ये समझ में आ गया होगा कम्प्लीटली कि कब नेगेटिव लिया जाएगा कब पॉजिटिव। साथ साथ में एक चीज़ और मैं तुमको बता देता हूँ, ये x अक्ष के लिए तो मैंने बता दिया, y अक्ष के लिए भी एक चीज बता देता हूँ। देखो जैसे वस्तु की दूरी को u से और वस्तु की प्रतिबिंब की दूरी को v से डिनोट करते हैं, ऐसी वस्तु की जो हाइट होती है वो तो h और इमेज की जो हाइट होती है वो होती है h डैश। तो मुझे बताओ यहाँ पे जैसे कि ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी हाइट होगी h, ये देखो h पॉजिटिव या नेगेटिव। अब कई बच्चे सोचते हैं कि ये नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव साइड में है, ऐसा नहीं। हाइट के लिए हमको इधर चलना है या ऊपर चलना है, तो हाइट के लिए हमको इधर नहीं चलना, हमको चलना है ऊपर, हाइट ऊपर की तरफ है। अब ऊपर की तरफ चिन्ह देखो कौन सा है, प्लस, तो ये आएगी प्लस की h। और हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट को सीधा ही रखते हैं तो एच ऑलवेज ही पॉजिटिव होगा, एच ऑलवेज कैसा होगा पॉजिटिव। लेकिन मुझे बताओ इसका इमेज यहां बन गया, मान के चलो ये इमेज है, तो इमेज की हाइट कितनी, H डैश। अब देखो H डैश के लिए हमको नीचे जाना है या ऊपर जाना है या इधर जाना है या इधर जाना है, तो देखो हाइट के लिए हमको नीचे जाना है, नीचे किसका चिन्ह है, माइनस का, तो ये आएगा माइनस का H डैश। तो समझ में आई पूरी कहानी। इसमें अगर मान के चलो यहाँ बन जाता इमेज तो ये H डैश होता। अब H डैश पॉजिटिव या नेगेटिव, तो देखो H डैश के लिए ऊपर जाना है, ऊपर किसका चिन्ह है, प्लस का, तो अब ये आता पॉजिटिव। इसमें देखो ये H है, कॉन्वेक्स के लिए बता रहा हूँ, ये H है, H ऊपर जाने पे आएगा तो चिन्ह आएगा प्लस का। और अगर मान के चलो इसका इमेज इधर ही बनता है, वैसे तो इसके बीच में ही बनेगा कहीं ना कहीं, ये H डैश आ गया, तो H डैश पॉजिटिव या नेगेटिव, ऊपर जाओ पॉजिटिव। अच्छा मुझे बताओ इसमें एक भी इमेज उल्टा बना था क्या, नहीं बना, उल्टा नहीं बना मतलब सीधे बने हैं, और सीधे बने ऊपर की तरफ बनेंगे, ऊपर की तरफ बनेंगे तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा एच डैश की वैल्यू। कौन से दर्पण के लिए, उत्तल के लिए। लेकिन ये नियम हम अवतल में कुछ बना सकते हैं क्या, हाँ ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर केस में एच डैश नेगेटिव होगा। कितने केस में, 5 केस में, लेकिन छठवां केस ऐसा है, 6th केस ऐसा है जिसमें एच डैश कैसा होगा, पॉजिटिव ना कि नेगेटिव, समझ रहे हो। अब हम इतना पढ़ने के बाद समझ लिया, ये पेपर में नहीं आएगा कि चिन्ह परिपाटी समझाइए, ये सिर्फ हमको समझना है कि चिन्ह परिपाटी यूज कैसे की जाती है, ये तुमको समझ में आ जाना चाहिए। अब इसका पूरे का जो निष्कर्ष है, कॉन्क्लूजन है, वो 2-3 लाइन में हम लिख लेते हैं। देखो समझो क्या लिखना है हमको, पहला पॉइंट यू इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, वस्तु की जो हाइट है वो ऑलवेज पॉजिटिव, वस्तु की ऊंचाई हमेशा कैसी होती है, धनात्मक। तीसरा पॉइंट, अवतल दर्पण या लेंस दोनों के लिए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऑलवेज नेगेटिव। चौथा पॉइंट, उत्तल दर्पण या लेंस दोनों की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या ऑलवेज पॉजिटिव। पांचवा, उत्तल दर्पण की बात कर रहा हूं मैं, उत्तल दर्पण में H डैश ऑलवेज पॉजिटिव, लेकिन अवतल में H डैश, यहां H डैश ऑलवेज पॉजिटिव है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अवतल दर्पण में H डैश ऑलवेज नेगेटिव, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 6 कंडीशन के अंदर ये H डैश उत्तल में भी अवतल में भी पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, और इसके अलावा तुमने काफ़ी चीज़ें देख ली हैं वहाँ पे, कोई चीज़ तुमको ऐसी लगी हो कि भाई ये भी लिखनी चाहिए तो खुद लिख लेना, 5-7 पॉइंट इस तरीके से बना के। बोलो क्लियर है बात, चिन्ह परिपाटी समझ में आ गई। अब ये चिन्ह परिपाटी का यूज क्या है, इसका यूज करके हम अगले कई टॉपिक हैं, जैसे मिरर फॉर्मूला है, मिरर के लिए मैग्निफिकेशन यानी कि आवर्धन है, इस तरीके के जितने भी फॉर्मूले वो हम प्रूव करेंगे, तो उसके लिए हमको ये आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आगे हम कल पढ़ेंगे दर्पण सूत्र, दर्पण के लिए आवर्धन। दर्पण सूत्र को भी हम वैसे तो 4-5 तरीके से प्रूव कर सकते हैं,
बट मैं आपको दो तरीके से करवाऊंगा और दोनों तरीके बिल्कुल डिफरेंट होंगे, एक सबसे सरल वाला और एक सबसे अलग वाला, ठीक है। इसी तरीके से हम रेगुलर वीडियो बनाते रहेंगे, थोड़ी समय का अभाव है इसलिए वीडियो रेगुलर अपडेट नहीं हो पा रही है काफ़ी दिनों से। अभी ये जो वीडियो मैं आज डाल रहा हूँ ये करीब करीब एक हफ्ते बाद मैं डाल रहा हूँ, लेकिन कोशिश करूँगा आगे जितना जल्दी जल्दी डाल सकूँ तो सभी बच्चे रेगुलर पढ़ते रहें। और अब देखो वीडियो पे व्यू आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर नहीं है, तो इसको सब्सक्राइब भी करते रहें और शेयर भी करते रहें, सभी को शेयर करें, बहुत ज़रूरतमंद लोगों तक ये वीडियो पहुंच सकती है और बहुत लोगों का बहुत फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह की फ़ीस बहुत ज़्यादा होने की वजह से काफ़ी बच्चे पढ़ ही नहीं पाते हैं। तो उन बच्चों तक ये वीडियो पहुँचाएँ, वो बच्चे देखें तो हो सकता है उनको बहुत फ़ायदा होगा। और ये वीडियो तुमको सिर्फ 12th स्टैंडर्ड से ही मतलब नहीं है, ये वीडियो तुमको अगर कल को तुम नीट जेई वगैरह की तैयारी करते हो तो भी ये वीडियोस लेक्चर काम आएंगे तुमको, तो इन वीडियोस को देखें पढ़ें और इनके हो सकता है नोट्स तैयार कर लें तुम लोग। अगर नोट्स तैयार कर लोगे तो फिर तुमको बार बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं और इससे तुम्हारे नोट्स तैयार हो जाएंगे, वो आगे तक काम आएंगे तुम्हारे। और कुछ चीज़ें ऐसे हैं कि ये लेक्चर चलता रहेगा, काफ़ी बड़ा लेक्चर है, इसमें करीब 15 वीडियो में जाके कंप्लीट होगा अगर हम आईआईटी नीट जेई लेवल को अगर कंप्लीट करते हैं थोड़ा सा, तो उसके लिए कम से कम 15 वीडियो लेक्चर इसके लिए बनेंगे और पांचवा ये मैंने शूट कर दिया है आज, 15 भी मैं कर दूंगा इस महीने के अंदर, कोशिश करूँगा पूरी बनाने की। साथ में ही कुछ वीडियो जैसे कठिन टॉपिक हैं बीच बीच में उनके लिए मैं एक वीडियो शूट करूँगा, जैसे लॉजिक गेट, इसके लिए मैं एक अलग से एक घंटे की वीडियो बनाऊंगा। लॉजिक गेट 12th स्टैंडर्ड जेई नीट वगैरह 11th स्टैंड वगैरह जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम है सबके लिए लॉजिक गेट में का वीडियो बनाऊंगा मैं एक घंटे का, और प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है उस पर आधारित वीडियो भी मैं आपको बनाऊंगा। और प्रतिरोधों पर जो संयोजन है उसमें बेसिक जो 12th लेवल का है इसके साथ साथ एडवांस नीट जेई वगैरह लेवल का भी मैं तुमको बना के वीडियो दूंगा, उसको आप देखना। आप जिस भी स्टेट बोर्ड से हैं, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, जो भी बोर्ड है इनका सिलेबस लगभग सेम है, हालांकि राजस्थान में एनसीईआरटी सिलेबस नहीं है लेकिन वो सिमिलर ही है, एनसीईआरटी के जैसा ही है वो सिलेबस, में कोई ज़्यादा अंतर है नहीं, दो चार टॉपिक अलग हैं बस। तो मैं आपको स्टेट बोर्ड की तैयारी कैसे करनी है, आगे क्या तरीका होना चाहिए, अपने राजस्थान बोर्ड के लिए तो कम से कम मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दूंगा तुमको कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, कौन कौन से चैप्टर से हैं, तो मैं हर चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। और पिछले पाँच साल के पेपर पाँच नहीं सात साल लास्ट 7 ईयर के क्वेश्चन मैंने बना रखे हैं, तो मेरे फेसबुक पर जाके आप देख सकते हो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फेसबुक पे जाएं वहाँ आपको ये मिल जाएंगे, मुझसे कांटेक्ट करें मैं आपको भेज दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल स्टूडेंट्स।